मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में उपबा दीपावली का मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस के प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण किया। यहीं से वर्चुअली माध्यम से जुड़कर जनपदों में पुलिस भवनों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस परिवार के 10 दिव्यांग परिजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण भी वितरित किए। साथ ही 18 मेधावी छात्रों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। धामी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुहिम में उत्तराखंड पुलिस भी अहम भूमिका निभा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत सारे भवनों का, बहुत सारे 11 भवनों का लोकार्पण शिलान्यास यहां पर हुआ है और अगले 3 वर्षों में हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का आगे प्रस्ताव किया है कि वो 100 करोड़ रुपए की धनराशि से पुलिस के आवास बनाए जाएंगे और उनको जो पुराने आवास हैं उनकी जगह पर अच्छे आवास बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारी पुलिस को आवासों की जो एक अत्यधिक परेशानी है, 20% से भी कम अभी हमारे 18% आवास हैं, वो आगे हमारी योजना है कि धीरे धीरे जो है उसको उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, इसीलिए हमने ये योजना प्रारंभ की।